श्री शिव महापुराण महात्म्य पहला अध्याय। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभो, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलियुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेष रूप से कलियुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व के बड़े पुण्य होते हैं उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े से बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। राज सूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोमयोग्यों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए।
हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी अशक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। हे मुने, विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत रस स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथा अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ? इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और पांचवी उमा संहिता कही गई है, छठी कैलाश संहिता और सातवीं वायवीय संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता, तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है। उसमें निवास करने वाले के पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता, तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियां, मुक्तदायिनी सप्तपुरियां तथा गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो, उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को बांचता है,
अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो भक्ति पूर्वक आदर पूर्वक जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करे। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण महात्म्य में उसकी महिमा का वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। दूसरा अध्याय शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। हमने यह पाप नाशनी मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, हे मुने, जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची सत्यविहीन अपने माता पिता से द्वेष रखने वाले पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, शठ हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं,
वे इस कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कलिकाल में भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्य वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उसका धन हड़प लिया था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहां शोभावती नाम की एक वैश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। वह उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को पत्नी बनाना तथा उस वैश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार करते रहे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। वैश्या में आसक्त चित्त वाले उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वैश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष, भक्षण तथा मद्यपान करने लगा और वह नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वह देव योग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यम राज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे, उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भाषित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सबके सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए।
साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विध पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव को दे दिया। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी के धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की, जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह वैश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तक्षण मुक्त हो गया। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में देवराज मुक्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। तीसरा अध्याय, चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। अध्याय तीन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, किंतु भगवान शंकर के कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदा शिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिव लोक को प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है। और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं। सूत जी बोले, हे शौनक सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाष्कल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भली और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे पर स्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। जहां के द्विज ऐसे हों, वहां के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में भी डूबे रहते हैं। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। कुजनों के निवास स्थान उस बाष्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था।
वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कलुषित चित वह वेश्यागामी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुग के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्ग गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमण करने लगी। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारिणी पत्नी चंचुला को कामासक्त हो पर पुरुष के साथ रात्रि में संसर्गरत देख लिया। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ व्यभिचाररत देखकर वह क्रोध पूर्वक वेग से दौड़ा। उस दुष्ट बिंदुक को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। तब वह दुष्टात्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। चंचुला बोली, मुझ पति परायणा युवती पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वैश्या के साथ इच्छानुसार रमण करते हैं। आप ही बताइए कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युवती की पति संग संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नव यौवन से उन्मत्त हूँ। आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। सूत जी बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मणाधम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदुक कहने लगा। बिंदुक बोला, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वैश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो, इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूत जी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक में दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा।
एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी देव मंदिर में उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले हैं। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यम दूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे व्याप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरफ से पाप में डूबी हुई हूँ। हाय विधाता, मुझ पापनी को आपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी, जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विजशूल से बिंधा हुआ व्यक्ति, ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किसका आश्रय लूं? मुझ नरक गामिनी के इस संसार में कौन रक्षा करेगा। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में चंचुला वैराग्य वर्णन का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।